ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक बुच्चड़ की कहानी दिखाई गई है। बुच्चड़ उन लोगों को बोलते हैं जो मीट काट के बेचते हैं, बट इस मूवी में जो बुच्चड़ है वो इंसानों का मीट काटता है। तो मूवी सीन शिफ्ट होता है तो हम मूवी के मेन करेक्टर लियोन को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है। बट लियोन अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। फिर हम लियोन की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं जो कि एक वेट्रेस का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, बट दोनों के पास एक कोई सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसीलिए माया अपने फ्रेंड जार्गेस से बोल के लियोन का एक आर्ट गैलरी में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपनी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ वहाँ पर लगा के एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। फिर नेक्स्ट डे लियोन जार्गेस के साथ आर्ट गैलरी में आता है और आर्ट गैलरी की ऑनर से मिलता है। वो अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसे दिखाता है, बट आर्ट गैलरी की ऑनर को वो फ़ोटोग्राफ्स कुछ खास पसंद नहीं आते। तो वो कहती है कि कुछ और टाइम लो फोटोग्राफ्स क्लिक करने में, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ लेके आओ ताकि मैं तुम्हें एक सिक्योर जॉब दे सकूँ। उसके बाद नाइट में लियोन को वही ट्रेन के सपने आते हैं जिस ट्रेन में मर्डर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे वो एक स्टेशन पर जाता है ताकि अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले सके, बट वहाँ पर उसे दिखता है कि तीन लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। पहले तो वो उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता है और फिर लड़की को भी बचा लेता है। फिर लड़की उसे किस करती है और अपनी ट्रेन लेने के लिए निकल जाती है। बट लड़की के पहुंचने से पहले ट्रेन का डोर बंद होने ही वाला था, बट एक आदमी आके ट्रेन का डोर रोक लेता है। इस आदमी के हाथ में हम एक 8 स्टार वाली अंगूठी देखते हैं और वो लड़की को अंदर बुला लेता है। ये सारी चीज़ें लियोन देख रहा होता है और वो एक फ़ोटोग्राफ भी क्लिक करता है। वो लड़की ट्रेन में आराम से बैठ जाती है और गाने सुनने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक अलग ही रूट पर जा रही है। तभी पीछे से सूट पहना हुआ आदमी आता है और लड़की को जान से मार देता है। दूसरी तरफ लियोन वो फ़ोटोग्राफ्स माया को दिखाता है तो माया बहुत खुश होती है कि उसने बहुत ही यूनिक फ़ोटोग्राफ्स लिए। फिर लियोन एक कैफ़े में जाता है और कैफ़े में जाने के बाद उसको न्यूज़पेपर में वही लड़की की फ़ोटो दिखती है जिसको नाइट में उसने स्टेशन पर देखा था। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि ये लड़की कल नाइट से मिसिंग है। ये देख के वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो एक डिटेक्टिव के पास पहुँचता है। वो डिटेक्टिव को सारी बात समझाता है, बट डिटेक्टिव उसकी बात मानने से मना कर देती है। डिटेक्टिव उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है तो लियोन वहाँ से निकल जाता है और सीधा आर्ट गैलरी के ऑनर के पास पहुँचता है। वो आर्ट गैलरी के ऑनर को वही फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है तो आर्ट गैलरी की ऑनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इन फ़ोटोग्राफ से एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर पाओगे। इसी खुशी में माया, लियोन और जार्गेस तीनों पार्टी करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीन लोग उसी ट्रेन में जा रहे हैं जो कि लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। तो ट्रेन में जो लड़की थी वो बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ट्रेन की ये डरावनी स्टोरी उसने सुनी थी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसके साथ हैं। तभी पीछे से एक आदमी आके उसके दोस्त के सर पर हथौड़ा मारता है जिससे उसकी आँखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद वो लड़की के हस्बैंड को भी हुक से मार के बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो हथियार लड़की की तरफ बढ़ता है, बट लड़की का हस्बैंड उसे रोकने की ट्राई करता है तो वो उसका मुंह ही हथौड़े से तोड़ देता है और लड़की की तरफ बढ़ जाता है। और अब बारी थी उस लड़की की। वो लड़की के सर पर इतनी ज़ोर से मारता है कि उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो जाता है और तीनों की उसी ट्रेन में मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लियोन स्टेशन पर बैठ के उस ट्रेन का वेट कर रहा होता है। ट्रेन स्टेशन पर आती है और सूट पहने हुए आदमी ट्रेन से उतरता है। तभी लियोन उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेता है और वो उसके हाथ में पहनी 7 स्टार वाली अंगूठी को भी नोटिस करता है। तो लियोन फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हुए उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो आदमी भी लियोन को देख लेता है, बट उसे जाने देता है। फिर वो आदमी एक होटल में चला जाता है, बट होटल का नेम लियोन नोटिस कर लेता है। घर पर आके जब लियोन फ़ोटोग्राफ्स को डिवेल्प करता है तो उसे पता चलता है कि ये वही 7 स्टार अंगूठी वाला आदमी है जिसने लास्ट नाइट ट्रेन में लड़की को एंटर करने दिया था। इसीलिए लियोन को शक होता है कि शायद इसी ने उस लड़की को मारा होगा। फिर लियोन आर्ट गैलरी में काम छोड़ के एक डिटेक्टिव की तरह काम करने लग जाता है। फिर पीछा करते हुए उसे पता चलता है कि वो आदमी एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ के वहाँ से जाता है। उस आदमी का पीछा करते हुए लियोन ट्रेन में एंटर करने ही वाला होता है तभी उसको एक पुलिस वाला आदमी रोक लेता है और उसको फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने से मना करता है। वो उसका कैमरा पकड़ लेता और इतने में ही ट्रेन निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी ट्रेन में एक और पैसेंजर चढ़ता है और उसी तरह से वो किलर उस पर हमला कर देता है, बट तभी किलर को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और खून की उल्टियाँ भी आती हैं, जिसका फ़ायदा उठा के वो पैसेंजर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और किलर पर हमला कर देता है। वो पैसेंजर किलर पर भारी पड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा शोर सुन के ट्रेन का ड्राइवर गन लेके पीछे आता है और वो पैसेंजर को ही शूट कर देता है और किलर से कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है,
यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है, एक्चुअल में वो किलर का बॉस है। और यहाँ पे हमें किलर का नेम भी पता चलता है, किलर का नेम महागनी है। दूसरी तरफ लियोन को नाइट में उसी ट्रेन के सपने आते हैं और अब वो खुद ही लोगों को मारता हुआ उसे सपने में दिखाई देता है। इन सपनों से लियोन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और महागनी का पीछा करते हुए वो फिर से मीट फैक्ट्री में पहुँचता है। महागनी भी लियोन को देख लेता है बट लियोन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। अब माया लियोन के पास बहुत सारी किलिंग से रिलेटेड फोटोग्राफ्स देखती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। लियोन माया को बताता है कि ये किलिंग्स 90s के दशक से हो रही हैं। 3 साल पहले एक बुच्चर को पकड़ा गया था बट कोई सबूत ना मिलने की वजह से उस बुच्चर को छोड़ दिया गया और पिछले 3 साल से ही बहुत ज़्यादा किलिंग्स बढ़ गई हैं और जो भी नाइट को उस ट्रेन को पकड़ता है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो माया उसे कहती है कि ये सब कुछ छोड़ के उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महागनी फिर से ट्रेन में एंटर करता है और उसका पीछा करते हुए लियोन भी फर्स्ट टाइम उस ट्रेन में एंटर करता है और लियोन दूसरे कैबिन में छुप के पीछे बैठ जाता है। फिर जब महागनी 2 लड़कों को मारता है तो लियोन उन्हें देख लेता है और बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी लेता है। लियोन देखता है कि महागनी उन लड़कों को मारने के बाद उनके कपड़े, उनके जूते उतार देता है, वो उनके दांत भी निकाल देता है और लास्ट में उनके बाल भी वो काट देता है और बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर देता है और उनको एक हुक के साथ लटका देता है। ये बहुत ही डरावना सीन होता है मूवी में। फिर महागनी लियोन को भी देख लेता है उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हुए। लियोन भागने की ट्राई करता है बट महागनी उसको पकड़ लेता है और मार के बेहोश कर देता है। जब लियोन को होश आता है तो वो भी हुक के साथ लटका हुआ था। वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स आते हैं और उसकी पीठ पे एक टैटू बना के चले जाते हैं। अब लियोन की जब आँख खुलती है तब वो फैक्ट्री में था, वो काफ़ी जख्मी हालत में था बट वो बच चुका था क्योंकि महागनी ने उसको छोड़ दिया था और वो भाग के घर पर आता है। अब लियोन माया को सारी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि महागनी ही सबको मार रहा है और वो बॉडीज़ को लास्ट स्टेशन पर लेके जाता है ताकि किसी को बॉडीज़ ना मिले बट उसके पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा महागनी ने तोड़ दिया था। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए माया जर्गिस के साथ महागनी के घर पे जाती है तो उसे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिससे बॉडी को काटा जाता है। तभी वहाँ पे महागनी आ जाता है और जर्गिस को पकड़ लेता है। माया को वहाँ पे एक डायरी भी मिलती है, उस डायरी में जितने भी 1911 से अब तक मर्डर हुए थे सबके बारे में और कहाँ कहाँ वो मर्डर हुए, किस टाइम पे हुए, सब कुछ मेंशन किया हुआ था। ये डायरी देखने के बाद माया को यकीन हो जाता है कि जो लियोन बता रहा था वो सारी बातें सच थी। फिर वो जर्गिस को वहाँ पे ढूंढने लगती है, तभी उसे महागनी वहाँ पे दिखता है। वो महागनी से जान बचा के वहाँ से किसी तरह से भाग जाती है। वो भाग के सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और वो डिटेक्टिव को बताती है कि महागनी लोगों को मार रहा है बट वो डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, जैसे कि उसने लियोन की बातों पर यकीन नहीं किया था। वो कहती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट लिखाई है कि तुमने उसकी एक डायरी को चुराया है। तो माया कहती है कि वो डायरी उसके पास नहीं है, वो जर्गिस के पास है और अब उसको जर्गिस को ढूंढना होगा। वो भाग के घर पे जाती है और घर जाने के बाद डिसाइड करती है वो गन लेके महागनी को मार देगी। वो घर से निकलने ही वाली होती है कि एक बार फिर से डिटेक्टिव उसके पास आ जाती है। डिटेक्टिव उसे कहती है कि वो डायरी उसे दे दे। इस बात से माया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिटेक्टिव पे ही गन तान देती है और कहती है कि बताओ जर्गिस कहाँ है। तो डिटेक्टिव उसे बताती है कि जर्गिस उसी ट्रेन में है जो लास्ट स्टेशन पे जाने वाली है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 2 बजे वाली पहली ट्रेन पकड़नी होगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव भी महागनी के साथ मिली हुई थी। खैर माया 2 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेती है बट जब वो कैबिन में एंटर करती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर डेड बॉडीज़ हुक के साथ टांगी गई थी और इन्हीं बॉडीज़ में जर्गिस भी उसको जिंदा लटके हुए मिल जाता है। वो जर्गिस का हुक निकालने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि महागनी दूसरी बॉडीज़ को काट रहा है। अब महागनी माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लियोन स्टेशन पे खड़े हुए उसे देख लेता है और किसी तरह से भाग के चलती हुई ट्रेन को पकड़ लेता है। माया महागनी से बच के ट्रेन में ही छुप जाती है। अब लियोन और महागनी के बीच में काफ़ी फाइट होती है और एक चाकू के साथ जर्गिस की बॉडी कट जाती है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी जर्गिस महागनी को हरा देता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि उनकी जान बच चुकी है। फिर ट्रेन का ड्राइवर उनके पास आता है और कहता है कि मीट से दूर रहना। तो दोस्तों यहाँ पे मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे रेप्टाइल क्रिएचर वहाँ पे हैं और डेड बॉडीज़ को खा रहे हैं। ट्रेन में सभी लोगों को इसीलिए मारा जा रहा था ताकि वो इन क्रिएचर्स का खाना बन सके। तभी लियोन और माया ट्रेन से उतर जाते हैं और भागने लगते हैं बट महागनी उनके सामने आ जाता है। महागनी अब भी जिंदा था। लियोन और महागनी के बीच बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो जाती है।
और इस फाइट में लियोन एक हड्डी महागनी की गर्दन में घुसा देता है जिससे महागनी की मौत हो जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर वहां पे आ जाता है और वो लियोन को बताता है कि ये क्रिएचर इंसानों के पैदा होने से पहले से यहाँ पे रह रहे हैं और महागनी इसीलिए उन लोगों को मारता था ताकि इन क्रिएचर्स को खाना दे सकें। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि ये क्रिएचर दिन में किसी और पे हमला ना करें, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो दिन में ये बहुत सारे लोगों को मार देंगे और खा जाएंगे। इसीलिए वो लोगों को मारता था और इनको खाना देता था ताकि थोड़े से लोगों को मार के बहुत सारे और लोगों को बचाया जा सके और पूरी दुनिया में एक संतुलन बना रहे। अब उसने लियोन की बॉडी पे वो टैटू बना के उसको आगे वाले काम के लिए चुना था, क्योंकि महागनी के बाद उसको ही ये काम पूरा करना था। उस ड्राइवर की बातें सुन के लियोन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, बट वो ड्राइवर लियोन को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठा देता है। तो हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, हो सकता है वो उन क्रिएचर्स में से ही एक हो, और वो लियोन की जीप पकड़ के बाहर निकाल देता है ताकि लियोन किसी को कुछ बता ना सके। फिर वो ड्राइवर माया के पास आता है जो वहाँ पे जख्मी पड़ी होती है। वो माया का सीना चीर के उसका दिल निकाल लेता है जो अभी भी धड़क रहा था, और वो दिल लियोन को दिखाते हुए बोलता है कि तुम हमारे लिए काम करो बिना कोई सवाल जवाब किए। ये देख के लियोन सदमे में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि माया के मिसिंग होने की रिपोर्ट टीवी पे देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव महागनी का सारा सामान एक नए बुच्चर को देती है जो महागनी की जगह पे वो सारे काम करेगा। अब ये नया किलर ट्रेन में लोगों को मारेगा और उन क्रिएचर्स को खाना खिलाएगा। फिर हमें किलर का फेस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं लियोन ही है। लियोन ने किलर बनने का फैसला कर लिया था। यहाँ पे मूवी एंड।